चलिए देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से क्या बनेगा? प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 2021 बताना है क्या? देखो एक बार, 2021 बताना है क्या? 22 पर आ जाते हैं ना, सवाल नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ए ने 7,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ माह बाद 12,000 रुपए लगाकर बी भी सम्मिलित हो गया, यदि एक साल के व्यापार में उनके लाभ का अनुपात बराबर हो। अब सुनिए, ए ने शुरू में कितना पैसा लगाया? 7,000। ए ने इधर इधर देखो आप, ए ने शुरू में कितना पैसा लगाया? 7,000। अच्छा, ए का पैसा 7,000 एक साल के लिए रहा क्या? ए ने शुरू में कितना पैसा लगाया? 7,000। आई बात समझ में? उसके बाद क्या हुआ? रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया ए ने, कुछ माह बाद बी 12,000 रुपए लगाकर सम्मिलित हुआ एक वर्ष के व्यापार में। एक वर्ष के व्यापार में तो कौन शुरू से आया था व्यापार में? ए। तो ए का जो पैसा है 7,000 रुपया, वो कितने माह तक रहा? 12 माह। बताइए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये किसका प्रॉफिट बनाया हमने? ए का। चलिए बी का प्रॉफिट बना लेते हैं। बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो बी का निवेश कितना है? 12,000। कितने माह तक रहा बी? एक्स माह मान ले। अच्छा, ए तो 7,000 रुपया पूरे 12 माह, निवेश गुणा समय, रिजल्ट लाभ आ रहा है। 12,000 निवेश, एक्स टाइम तक रिजल्ट लाभ आ रहा है, तो कितने समय तक बी व्यापार में रहा उसको हमने क्या मान लिया? एक्स। अब आगे बात करते हैं, एक वर्ष के व्यापार में उनके लाभ का अनुपात बराबर है। लाभ का अनुपात बराबर है तो बताइए, निवेश गुणा समय इसका परिणाम लाभ है कि नहीं है? निवेश गुणा समय इसका परिणाम भी लाभ है कि नहीं है? तो लाभ से लाभ का रेशियो 1:1 दिया कि नहीं दिया? इससे इसका अनुपात, इससे इसका अनुपात क्या दिया है? 1:1 होने का अर्थ होता है कि दोनों बराबर। 1:1 का मतलब क्या होता है? कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करोगे तो अलग ही दिख रहा है, एक्स की जगह 7 लेगा। अरे इन दोनों सर्कल का रिजल्ट इक्वल करना है तो एक्स की जगह 7 लेगा, समझ में आ रहा है? अरे 3-0 है, 3-0 से 3-0 गया, गया कि नहीं गया? चला गया। 12 से 12 गया तो बताइए x बराबर 7 बचा कि नहीं बचा? बोलो, बचा कि नहीं बचा? x बराबर क्या बचा? 7। यानी कि कितने माह तक b व्यापार में रहा? 7 माह तक व्यापार में रहा कि नहीं रहा? अच्छा, सबसे पहली बात ये समझ में आ गई, 1:1 मतलब दोनों एग्जैक्ट इक्वल है, तो दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दे सीधे। बोलो लगा दे कि नहीं लगा दे? लगा दिया है ना। इक्वल का साइन लगाने के बाद 3-0 कैंसिल, 12-12 कैंसिल, एक्स बराबर 7 आया कि नहीं आया? यानी कि कितने माह तक बी व्यापार में रहा? 7 माह तक रहा। अब कितने माह तक बी व्यापार में रहा ये पूछा है कि कितने माह बाद बी आया ये पूछा है? कितने माह बाद बी सम्मिलित हुआ? अब आप जानते हैं कि 12 माह का व्यापार है और 12 में से 7 माह बी व्यापार में रहा, तो कितने माह बाद आया होगा? तो 5 माह बाद आया होगा बी। यदि 12 माह का व्यापार है और 12 में से 7 माह बी व्यापार में रहा, x बराबर 7, इट मीन्स 12 में से 7 गया तो 5 माह नहीं रहा व्यापार में। इसका मतलब 5 माह बाद बी व्यापार में आया, बी व्यापार में आया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर करो मुझे पहले आप लोग। बहुत छोटा सा सवाल था, 7,000 रुपये 12 माह, 12,000 रुपये एक्स माह, एक्स बराबर 7, क्योंकि लाभ का अनुपात 1:1 है। 12 माह में से 7 माह रहा, यानी कि 5 माह बाद आया।
ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है क्या? ओके ठीक, चलो अब आना है आपको क्वेश्चन नंबर वन पर, आ जाइए पहले पर। अच्छा एक चीज आपको समझ में आ गई कि निवेश गुणा समय से लाभ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाइए। सवाल नंबर एक पढ़ो एक बार, रीड करिए उस क्वेश्चन को एक बार। पढ़ो एक बार, पढ़ो सवाल पढ़ के क्या सिचुएशन रही होगी व्यापार की, उसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। देखो सवाल क्या है, एक्स और वाई ने, एक्स और वाई ने कितना कितना पैसा लगाकर व्यापार चालू किया, कितना कितना पैसा लगाया एक्स और वाई ने? 16,000 और 12,000, है ना। अच्छा इस सवाल में निकालना क्या है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन वाला हमसे? 26,400 रुपए दिए हैं। क्या है वो 26,400 रुपए? वार्षिक लाभ। लाभ पे नजर रहेगी सब साझेदारों की, है ना, लाभ इतनी मेहनत करी ना। अच्छा कितने टाइम का बिजनेस है टोटल? 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल। ये 26,400 कितने साल का हिसाब किताब है? एक साल का है। अच्छा 26,400 को कितने टाइम का लाभ बोला है? एक साल का। 26,400 वार्षिक लाभ है कि नहीं है? तो 26,400 को उन्होंने क्या बोला है कि भैया 26,400 जो है आपका वार्षिक लाभ में से वाई और जेड का हिस्सा जो भी है, मतलब 26,400 का वार्षिक लाभ। इससे यह समझ में आता है कि एक साल की दुकानदारी है पूरे सवाल में, एक साल तक के व्यापार हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में आ रही बात? क्लियर। अब एक साल में व्यापार हुआ है और व्यापारी कितने? तीन, एक्स वाई और जेड है कि नहीं? तीन कैरेक्टर कहानी में। 26,400 रुपए का लाभ एक्स वाई जेड तीनों में ब्रेक होगा? होगा कि नहीं होगा? तीनों में ब्रेक। अब प्रैक्टिकली सोचो लाभ को बांटने का आधार क्या हो, किसको कितना दे, वेयर इज दैट फॉर्मूला? निवेश गुणा समय से हर एक बंदे का लाभ का भार बनेगा कि नहीं बनेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से उसके प्रॉफिट का वेटेज बनेगा कि नहीं बनेगा किसी भी आदमी का? तो साल भर का तीनों का स्टेटमेंट ले लें। पहले एक्स को पकड़ते हैं, एक्स ने साल भर में कितना निवेश किया और कितने समय तक, निवेश गुणा समय के आधार पे एक एक को पकड़ो और हर एक बंदे का लाभ का वेटेज बना लो, तो तीनों के लाभ का रेशियो बन जाएगा। उस लाभ के रेशियो में, तीनों के लाभ के रेशियो में 26,400 को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? अरे लाभ को बांटने के लिए लाभ का भार, लाभ का वेटेज पता होना चाहिए ना तीनों का, किसको कम किसको ज्यादा, कितना कितना न्याय होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, लाभ का वेटेज निकालने का तरीका क्या है? निवेश गुणा समय। तो पहले एक्स को पकड़ते हैं, एक्स का साल भर कैसा रहा, एक्स का स्टेटमेंट पूरा साल भर का पैसे लगाने का और समय का। फिर हम वाई को पकड़ेंगे, वाई का 12 महीने का स्टेटमेंट लिखेंगे, जेड का 12 महीने का स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर तीनों को रेशियो में रख के काट देंगे तो फाइनल रेशियो बन जाए। एक्स को पकड़ो, सबसे पहले पकड़ लो एक्स को, भाग नहीं जाए। देखो
कितना लगाया एक्स ने शुरू में? 16,000 लगाया। आ जाओ भैया एक्स, ये देखो एक्स ने कितना लगाया? 16,000 लगाया। क्या ये 16,000 एक्स का पूरे 12 महीने तक चला क्या, के बीच में इसने निकाला या मिलाया, कुछ गड़बड़ की बीच में? देखो पढ़ो ना पूरी कहानी। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, तो भैया इसका 16,000 पूरे 12 महीने तक नहीं चला ना, 3 महीने बाद इसने कितना पैसा निकाला? जो सच है वो दिखना चाहिए, यहां पे दिखाना है। अरे 16,000 पूरा 12 महीने का कैसे लिख दे, गलत नहीं हो जाएगा? हम अन्याय करेंगे तो फिर समाज क्या करेगा? इधर देखो 16,000 केवल कितने महीने तक चला? 16,000 × 3। अभी 9 महीने की पिक्चर लिखना बाकी है इसकी। चलो प्लस, अभी एक्स का डेटा पूरा नहीं हुआ है, निवेश गुणा समय, 3 महीने का लाभ का वेटेज बना। अब 3 महीने बाद इसने 16,000 में क्या गड़बड़ की? 5,000 निकाला लगाया, 5,000 निकाल लिया तो 16 में से 5 गया, तो अगले 9 महीने के लिए कितना बचा इसका? 11,000 पूरे 9 महीने चलाया फिर गड़बड़ की? 11,000 पूरे 9 महीना चलाया फिर गड़बड़ की इसने? बताओ जल्दी, इधर देखो 11,000 पूरे 9 महीने चलाया, बीच में गड़बड़ की, बोलो जल्दी से। कुछ और गड़बड़ की एक्स ने बीच में? अरे पढ़ो तो सही है, आप ध्यान तो है ही नहीं। पढ़ा आपने आगे? एक्स ने और कोई गड़बड़ की बाकी के 9 महीनों में पैसों में? नहीं की ना। तो ये एक्स का स्टेटमेंट पूरा हो गया क्या? चलो वाई के पास चलते हैं ना, वाई से पूछेंगे। हाँ भैया वाई, क्या हाल है? क्या बोल रहा वाई? 12,000 रुपये लगाए वाई ने, कितने लगाए? 12,000। क्या कह रहे हो? हाँ वाई ने कितना लगाया? 12,000। क्या पूरे 12 महीने किसने भी गड़बड़ की? क्या किया? पकड़ो इसको, 5,000 और लगा दिए इसने, मोटिवेट हो गया, तो 12,000 3 महीने तक ही रहे। 12,000 लगाए शुरू में, 3 महीने तक लगातार रहे, 3 माह बाद वाई ने 5,000 और लगाया, यानी कि 12 और 5 17,000। क्या बाकी का 17,000 पूरे 9 महीने चलाया इसने गड़बड़ की फिर? नहीं की ना। इसके बाद कुछ नहीं किया इसने करेक्शन, तो 3 माह बाद इसने 5,000 और लगाए, तो बाकी के 9 महीने 12 के बजाय 17 हो गया इसका। इसने 3 माह बाद 5,000 निकाल लिए, तो 16 के बाद 11 बचा। क्लियर है एक्स और वाई का? जेड के पास चलते हैं। जेड क्या बोल रहा है? जेड सुन लेते हैं इसकी। जेड ने कितना लगाया? अच्छा कितने माह बाद लगाया जेड ने? 3 माह बाद लगाया। सुनो इधर देखो, पूरा स्ट्रक्चर आपका 12 महीने का है। कितने महीने का? 12 माह का। अच्छा स्टार्टिंग के 3 माह तो अस्तित्व रहा ही नहीं इसका। यहां पे आया जेड कितने पैसे लगा के? क्या 21,000 बाकी के पूरे 9 महीने चला इसका? और कोई गड़बड़ की क्या बीच में? करेक्शन हुआ नहीं। 3 महीने बाद यदि इसने 21,000 लगाया, तो बताइए जेड का पैसा केवल 9 महीने तक रहा क्या? तो जेड का स्टेटमेंट केवल 21,000 × 9 आएगा, स्टार्टिंग के 3 महीने में है ही नहीं है। स्टार्टिंग के 3 महीने में ये यदि करते भी हो तो 0 × 3 आएगा। अरे 0 रुपया 3 माह, 0 × 3 आएगा प्लस, तो 0 × 3 जीरो हो गया ना, तो 21,000 9 माह। ये कहानी है किसकी? जेड की। ये जो लिखने की कला है ये आपको समझ में आया? लिखना है ना, लिख लोगे इस प्रकार से? जो भी करेक्शन करेगा लिख लोगे पूरा एक एक का डाटा? बस हो गया सॉल्व, यही सीखना था इस सवाल में। अब सुनो, जो कट रहा है वो काट लेते हैं, 3 0 3 0 3 0 3 0 सब में से कट जाएगा। देखो सब में से कटेगा तो ये कटना पॉसिबल है। 3 0 आपको नहीं काटना है तो पूरा पूरा कलेक्शन कर लो तीनों का, लेकिन नहीं करना इतना लेंदे। यहां से भी 3 0 और यहां से भी 3 0। अब सुनिए, 1 2 3 4 5 वही कटना पॉसिबल है जो इन पांचों में कटे। अच्छा 3 से फिर कट रहा है क्या? इसमें 3 से यहां कट जाएगा, इसमें 3 से यहां कट जाएगा, इसमें 3 से यहां, इसमें 3 से यहां, इसमें 3 से यहां। 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 3 9 3 3 9। चल और कुछ कट रहा है क्या? नहीं अब नहीं कट रहा। तो यहां बचा 16 और यहां बचा 33। 16 + 33 यहां, 12 + 51
और यहाँ 21 × 3 = 63। चलो 16 + 33 = 49। रेशियो 63 आएगा। ये क्या बोल रहे हो यहाँ पे कहाँ 6 महीना है? अरे यार तो बोलना चाहिए ना आप लोगों को, मैंने तो पढ़ा ही नहीं सवाल। चलो अब सुनो, यहाँ 9 थोड़ी ना आएगा, यहाँ 6 आएगा। अरे यार बोलना चाहिए ना यार पहले, यार ध्यान ही नहीं दिया मैंने। चलो रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ सब, सुनिए। अरे सही नहीं है वो, यहाँ 6 आएगा। छ बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, शांति रखो। एक्स वाई जेड फिर से बोलो। एक्स ने 16,000 कितने माह? 3 माह। प्लस 5,000 निकाल लिए इसने, तो 11,000 कितने माह? 9 माह। ये एक्स। वाई, वाई ने कितना लगाया शुरू में बोलो जल्दी? 12,000। 12,000 3 माह, उसके बाद 5,000 और लगाया, 17,000 बाकी के 9 माह। ये वाई। जेड ध्यान दो क्या हुआ कहानी में, मैं बताता हूं इधर पे। देखिए कहानी ऐसी है कि जैसे ही व्यापार शुरू हुआ, एक्स और वाई ने पैसा लगाया, 3 माह बाद, 3 माह बाद एक्स और वाई ने परिवर्तन किया, 3 माह बाद एक्स और वाई ने अपने पैसे में परिवर्तन किया, 3 माह बाद एक्स ने 5,000 निकाल लिए जबकि वाई ने 5,000 और लगा दिए, जोड़ दिए, आई बात समझ में? उसके 3 माह बाद ऐसा लिखा है ना, जो घटना घटी उसके 3 माह बाद, तो यहां से आया है जेड। पढ़ो भाषा, 3 माह बाद ऐसा ऐसा हुआ, फिर क्या लिखा है, शब्दावली क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसके शुरू से नहीं, उसके 3 माह बाद जेड आया। तो जेड 6 महीने बाद आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? उसके 3 माह बाद तो जेड कितने महीने बाद आया? 6 महीने बाद, आई बात समझ में? तो बताइए 21,000 रुपया जेड का 6 महीने तक केवल चलेगा कि नहीं चलेगा? क्लियर है, समझ गए? है ना, 3 माह बाद एक्स और वाई ने ऐसा ऐसा किया और उसके 3 माह बाद जेड आया, यानी कि टोटल जेड 6 महीने बाद आया, तो 21,000 6 महीना। क्लियर, कोई डाउट हो तो बोल दो। चलो अब काट लेते हैं, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 कैंसल, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 16 + 33 रेशियो 12 + 51 रेशियो 42, 21 × 42 = 49 है ना, ये 49 आ रहा है, ये 63 आ रहा है और वो 42 आ रहा है, 7 से कट रहा है, 7 7 = 49, 7 9 = 7 6 कट जाएगा 7 से। तो बताइए लाभ का रेशियो आया कि नहीं आया? बना कि नहीं बना लाभ का रेशियो? कैसे लाभ को निचोड़ना है, समझ में आई बात? निवेश गुणा समय से लाभ का वेटेज पकड़ो एक एक इंसान का, है ना। तब देखिए x का प्रॉफिट 7 यूनिट, y का प्रॉफिट 9 यूनिट, z का प्रॉफिट 6 यूनिट, तो तीनों का मिलाकर प्रॉफिट 22 यूनिट बन रहा है क्या? 7 यूनिट 9 22 यूनिट है, तीनों का मिलाकर प्रॉफिट 22 यूनिट आपको 26,400 रुपए के बराबर दिया है क्या? दिया है ना, तीनों का मिलाकर लाभ, कुल लाभ 22 = 26,400। अच्छा निकालना क्या है, वाई का हिस्सा जेड से कितना ज्यादा है, ध्यान देना, ये एक्स का हिस्सा है, ये वाई का हिस्सा है, जेड का हिस्सा है, वाई का हिस्सा जेड से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 दिख रहा है क्या, 3 यूनिट ज्यादा है, वाई का हिस्सा जेड से 3 ज्यादा है, यानी कि 3 का मान आपको निकालना है, 22 = 26,400, तो 3 बराबर कितना, गौर से देखेंगे तो क्या रिलेशन है ये, 22 × 1200, चलो 22 यूनिट = 26,400, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो आप, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 26,400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 26,400 / 22, 22 से काट देना 1200 बार जाएगा, 1 = 1200, तो 3 = 3 × 1200, तो 12 × 3 = 36, तो y का हिस्सा z से कितना ज्यादा है, 3600, ये आंसर आएगा। आया क्या समझ में? अब एक और चीज मैं बताता हूं, 3 जीरो को शुरू से ही लेने की जरूरत नहीं थी,
शुरू से ही तीन जीरो को लेने की जरूरत, 16,000 को सिर्फ 16 लिख लेते, 11,000 को 11 लिख लेते, छोटा छोटा दिखता एक लाइन में हो जाता। 16 × 3 + 5,000 निकाला तो 11 × 9, क्लियर। फिर 12,000 तीन महीने तक, 12 × 3 + 17,000 नौ महीने तक, 17 × 9, और ये 21,000 × 6। तो इजी वे में छोटा दिखता छोटे में काम हो जाता, समझ आ रही बात, क्लियर। तो तीन जीरो काट के भी डेटा को उठा सकते हैं, क्योंकि तीन जीरो तो यूं भी आपका कटेगा, कैंसल होगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे तभी काटना जब सब में तीन जीरो है ना, कि नहीं दो के तीन जीरो मत काटना, या फिर आप तो ओरिजिनल लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉपी करिए इसको। ये कॉपी करके सवाल नंबर दो करना चालू कर दे, सवाल नंबर दो खुद से करना है आपको अभी, और इसमें कहीं डाउट हो रहा हो तो पूछो क्लियरली। सवाल नंबर दो का सही आंसर आना चाहिए सभी का। किसी का आंसर आया सेकंड का, क्या आया? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई या दिल्ली? बॉम्बे, ठीक है। करते जाओ आगे, जिसका आता जा रहा है 3, 4, 5, इजी है, अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर टू, सभी का आंसर आना चाहिए।
हाँ, किस किस का आंसर आया? ऑप्शन बी, सेकंड का बी। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है ना, आपने दिमाग लड़ाया नहीं आया, अब मैं जो बता रहा हूं यहां से आप थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे, है ना। आगे वाले सवाल आप कर पाओगे दूसरे के बाद, तो दूसरा वाला देख लो भी, है ना। ठीक से कहानी को समझोगे तो दिक्कत आ ही नहीं सकती। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, सवाल नंबर दो, आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। अच्छा, कितने टाइम का बिजनेस है टोटल? एक साल का। देखो लास्ट लाइन पढ़ो इसकी, वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात निकालो, वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष का व्यापार है, एक वर्ष की कहानी है पूरी, है ना। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात निकालना है, तो आप जानते हैं लाभ किससे बनेगा? निवेश गुणा समय। तो एक एक करके तीनों का डेटा, तीनों का स्टेटमेंट लिख लें। पहले ए की बात करते हैं ना, पहले ए, फिर बी और फिर सी। देखिए अब ए की बात करें, ए ने 50,000 रुपए लगाए, कंटिन्यू 12 महीने या बीच में चेंज किया ए ने? 4 महीने बाद, यानी कि 50,000 4 महीने तक रहा, 4 महीने बाद क्या किया इसने? आधी पूंजी निकाल ली, यानी कि सीधी सी बात है कितने बचे अब? 25,000 बाकी का 8 महीना हो गया, 12 महीना पूरा, या फिर और भी गड़बड़ की इसने आगे? बस ये एक ही कहानी पूरी हो गई। चलो बी के पास आते हैं। बी ने शुरू में कितना लगाया? 45,000 लगाया। कितने टाइम तक? 8 महीने बाद। बी का पैसा 8 महीने तक रहा? अरे बी का पैसा कितने महीने तक रहा? ऐसा तो नहीं बोला ना उसके 8 महीने बाद, नॉर्मल बोला ना। तो ए की अपनी कहानी है 4 महीने बाद, शुरू से 4 महीना बाद। बी की अपनी कहानी है शुरू से 8 महीना बाद, है ना। तो बी का पैसा 8 महीने तक रहा, 8 महीने बाद क्या करा इसने? बी ने आधा भाग निकाल लिया इसने भी। चलो तो कितना बचा इसका? 22,500 बचा। चलो सी के पास आ जाते हैं। तथा सी उस व्यवसाय में 70,000 रुपए निवेश करता है। अच्छा सी कितने टाइम बाद आया? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद दो कहानियां बताई गई है सवाल के लैंग्वेज में, 8 महीने बाद दो कहानियां। 8 महीने बाद बी ने आधा निकाला और सी व्यवसाय में आया, ये दोनों घटना 8 महीने बाद घटी। 8 महीने बाद बी ने आधा निकाला और सी व्यापार में आया, तो बताइए सी भी 8 महीने बाद ही एंट्री मारा। 12 महीने की लेंथ है, यदि 8 महीने बाद सी आया तो बताइए कितने महीने तक रहा? 4 माह। तो सी का पैसा 4 महीने, कितना पैसा है सी का? 70,000। कितने महीने तक रहा ये? 4,000। सॉरी, ध्यान रखना काट तो नहीं दिए थे, इसमें 2 ही 0 है। चलो निकाल लेते रेशियो, कर लेते सॉल्व इसको, है ना। अच्छा 3-3 0 तो काट ही देना एटलीस्ट। कहाँ? 2-2 0, 2 0 यहां से, 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 ठीक है। और क्या कट रहा है? 4 से 4 से एक बार, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, 4 से 1 बार, है ना। अभी किससे कट रहा है? 25 से, या फिर कर लेते हैं 500 प्लस 500 हजार हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 500 प्लस 250 इंटू 2, 500 प्लस 500 हजार, 450 इंटू 2, 900 और 225, 1125 आ जाएगा ना, 1125। और ये 700, 25 से कट रहे हैं तीनों, 25 से। अब 5 से काट लो, जैसे काटना है काट लो, 25 से 40, 25 से 4 बार 100, 5 बार, 25 से 28 बार, है ना। तो क्या रेशियो आएगा? 40, 45 और 28, ऑप्शन बी। समझ में आया क्या किया? ठीक, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 3 होमवर्क है, 4 होमवर्क है,
छह होमवर्क है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, ये इजी हैं। तीन चार छह के बाद दस होमवर्क है, ग्यारह होमवर्क है, बारह होमवर्क है। अभी आप आएंगे सीधे सवाल नंबर पांच पर, पांचवा करेंगे हम। अच्छा, आप लोग कहां गलती कर रहे थे, इसमें कहां टक रहे थे, बताओ मेरे को। वो आठ महीने बाद वाला केस, सी पर अटक रहे थे। देखो क्या किया करो, वो जो लैंग्वेज है ना उसको पढ़ा करो आराम से, सब तो क्लियर बोला है। अच्छा अब समझ में आ रहा है, क्लियरली बोला है उसने, जो मैंने किया वो क्लियरली उसने कहा था, ऐसा अब समझ में आया? तो खुद समझ सकते थे, थोड़ा टाइम देते आराम से, तो है ना। तो क्वेश्चन जब भी करो ना घर में, थोड़ा टाइम दिया करो एक क्वेश्चन पर। इसका कहने का मतलब ये तो नहीं, ये तो नहीं, हर रास्ते पे चल चल कर देख लो। एक बार ये संघर्ष करोगे, दूसरी बार से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो ये होमवर्क लिख लेना, तीन चार छह दस ग्यारह बारह। सवाल नंबर पांच पर आएंगे सीधे आप, पांचवा। पांच में निकालना क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या निकालना, में क्या फाइंड आउट करना है, लाभ का हिस्से करने, लाभ के। तो सेम कहानी है, लाभ के हिस्से करने के लाभ करी। अच्छा लाभ दिया कितना है, प्रॉफिट कितना है, 1140 लाभ के टुकड़े करने, लाभ के टुकड़े करने के लाभ का रेशियो बनाना है। लाभ का रेशियो तो बनाया है अभी तक हमने, चलिए बना लेते हैं लाभ का रेशियो। देखिए इसको मिटा दूं, ठीक। देखिए लाभ का रेशियो बनाने के लिए निवेश गुणा समय कितने लोग हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। लाभ निवेश गुणा समय से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आएगा क्या, इससे आएगा लाभ का रेशियो। क्लियर, निवेश गुणा समय एक्स का, निवेश गुणा समय वाई का, निवेश गुणा समय जेड का। दो तरीके, दोनों तरीके दिखाता हूं। देखिए अब सुनिए क्या बोला है, अब शुरुआत पढ़ते हैं सवाल की, स्टार्टिंग क्या है। एक्स ने किसी व्यापार में लगाने वाली कुल पूंजी का एक बटा चार भाग लगाया, पूंजी की बात करो। ए ने एक चौथाई पूंजी लगाई कि नहीं लगाई, ए ने कितनी पूंजी लगाई, एक चौथाई पूंजी। कुल पूंजी कितनी है व्यापार में लगने वाली नहीं पता, मान लेते हैं कुल पूंजी मान लेंगे जो भी होगी, लेकिन उस पूंजी का एक चौथाई किसने लगाया, एक्स ने। आई बात समझ में? फिर उसी पूंजी का वाई ने कितना लगाया, एक बटा पांच। देखो सुनो, एक्स ने एक बटा चार पूंजी, एक बटा चार समय के लिए लगवाई, एक बटा चार पूंजी, एक बटा चार है और समय एक्स का कितना, एक बटा चार। उस समय का यूज नहीं कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ तीनों की निवेश को भर रहा हूं, पूंजियों को भर रहा हूं। आई बात समझ में? तो एक्स ने एक बटा चार पूंजी, एक बटा चार समय के लगाई, वाई ने एक बटा पांच पूंजी लगाई। लिखा है कि नहीं लिखा है, पूंजी का एक बटा पांच भाग वाई ने लगाया। क्लियर? तो सीधी सी बात है, शेष पूंजी कौन लगाएगा, जेड। पहले पूंजी की बात करो, टोटल पैसा लगा व्यापार में, तो एक चौथाई पूंजी एक्स ने लगाई और जो टोटल पूंजी थी उसका एक बटा पांच भाग वाई ने लगाया, शेष पूंजी किसने लगाई होगी, जेड ने। इस पूंजी को जो चाहे मन करे वो मान लो, बटा चार बटा पांच को देखते हुए चार पंजे बीस करोड़ की पूंजी मान ले, क्योंकि उस संख्या का एक बटा चार भी करना पड़ेगा
और 1/5 भी करना पड़ेगा तो 5 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो कैलकुलेशन सरल रहेगा। बाकी पूंजी कुछ भी मानने से आंसर सेम आएगा, तो क्यों ना सरल वाली माने। तो 1/4, 1/5, 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, तो 20 करोड़ का 1/4, 5 करोड़ इसने लगाया, 20 करोड़ का 1/5, 4 करोड़ इसने लगाया, तो 5 और 4 9 करोड़ लग गया, 20 में से 9 गया तो शेष 11 करोड़ लगाने पड़े होंगे इसको। कोई दिक्कत इन तीनों गोलों को भरने में? आगे 3 सवाल इसी के जैसे सेम टू सेम होमवर्क में जाएंगे, है ना। देखो ध्यान से, अब टाइम की बात करें, एक्स ने 1/4 पूंजी 1/4 समय के लगवाई। अब जैसे कुल पूंजी मानी थी, टोटल टाइम भी मान ले व्यापार का, व्यापार का टोटल टाइम कितना हमें नहीं पता, लेकिन 1/4 समय के लिए किसने पैसा लगाया? एक्स ने। बताई एक्स ने 1/4 समय के लिए पैसा लगाया कि नहीं लगाया? 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगवाई। वाई ने 1/5 पूंजी कितने समय के लिए? 1/2 समय के लिए। तो वाई का समय कितना है? 1/2, है ना। और जेड ने पूरे समय के लिए लगाया। जेड ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? पूरा समय। आई बात समझ में? चलो, तो इसका 1/4 भी करना है, 1/4 करना है और 1/2 करना है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 साल मान ले समय, व्यापार का समय क्या मान ले? टोटल 4 साल। तो 4 का 1/4 यानी कि इसने केवल 1 ही साल के लिए पैसा लगाया, क्या मान लिया? 4 साल। कुछ भी मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हैं इसका 1/4 करना है, 1/4 करना है और 1/2 करना है। तो 4 और 2 से भागित होने वाला 4 खुद ही होता है। 8 ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे आंसर सेम आएगा। इसका 1/4 1 साल, इसका आधा 1/2 2 साल, और पूरे समय के लिए यानी कि पूरे 4 साल के लिए। अरे पूरे समय के लिए लगाया ना, इसमें ऐसा मत करना पूंजी जैसा कि भैया 20 करोड़ में से 5 करोड़ और 4 करोड़ 9 करोड़ लग गया, तो 20 में से 9 गया तो 11 करोड़ ही बचेगा। समय में ऐसी बचने वाली स्थिति थोड़ी ना होगी। अरे समय तो सबका इंडिविजुअल है, हो सकता है 4 साल के लिए किसी एक ने पूरे ने लगाया हो, एक ने 1 साल के लिए, एक ने 2 साल के लिए। तो ऐसा मत करना कि 4 साल में से 1 साल और 2 साल गया तो 1 ही साल बचा, ये बचने वाला टास्क प्रैक्टिकली इसमें नहीं आएगा। पूरे समय के लिए लगाया तो पूरा समय कितना माना है? 4 साल। खत्म हो गया सवाल। 5 एकम 4 दुनी 11 चौक, आ गया क्या प्रॉफिट का रेशियो? जितनी जल्दी ये प्रॉफिट का रेशियो बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आया मैंने क्या किया? मानने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। आई बात समझ में? एक और शॉर्ट तरीका इसको बताता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 8 13, 44 और 13 कितना आएगा? 57 यूनिट। ये 57 यूनिट लाभ किसके बराबर दिया है? 1140 रुपए, है ना, 1140। अच्छा ठीक से देखो, 57 का डबल 114 इंटू 20 का कनेक्शन है, तीनों का निकालना है अलग अलग, कर ले इंटू 20। तो ये 100 रुपये, ये 160 रुपये और ये 880 रुपये, ये शेयर आएगा तीनों का लाभ का। कॉपी करो इसको,
कोई भी नंबर समझ में नहीं आए पूछ लेना ये कैसे आया, है ना। पहली बार कोई चीज करते हैं तो भूल जाते हैं कैसे आया। हो गया क्या कॉपी, ये कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। मतलब बिना एलसीएम के एक और मेथड, इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, बता रहा हूं उसको, है ना। दो मिनट रुको, ये समझ में आया। अच्छा, वो जो पूंजी 20 करोड़ मानी, वो 20 करोड़ बीसी क्यों माना, क्या देखकर माना? एलसीएम लिया ना, किसका? 5 और 4 का। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? इजी हो जाए। एलसीएम वो नंबर बनेगा जिसमें डिवाइड चला जाएगा ना नंबरों से, ठीक है। और ये जो 4 साल माने, ये भी एलसीएम ही लिया हमने। आ रहा है समझ में, आ रहा है ये? ओके ठीक है। अब दूसरा तरीका इसी को करने का देखिए, यही रेशियो हम और तरीके से बना लेते हैं। चलिए यहां देखना है ना, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, एक बटा चार पूंजी, एक बटा चार समय के लिए लगाई, एक बटा पांच पूंजी, एक बटा दो समय के लिए लगाई कि नहीं लगाई, शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। अब सुनिए, जब हम सीधे फ्रैक्शन में ही ले रहे होते हैं, जब हम सारा डेटा सीधे फ्रैक्शन में ही ले रहे होते हैं, तो उस केस में कुल पूंजी को क्या माना हुआ होता है? 1। और कुल समय को भी क्या माना हुआ होता है? 1। इन दोनों को क्या माना हुआ होता है? 1। जब आप 1/4 एक बटा पांच सीधा रख देते हो तो बताइए, 1 करोड़ में से 1/4 करोड़ यहां गया, 1/5 करोड़ यहां गया, तो 1 करोड़ में से 1/4 1/5 को घटाएंगे तो शेष करोड़ कितना आएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1 करोड़ में से 1/4 प्लस 1/5 को माइनस कर दें तो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5, तो बताइए कितना आएगा? ये 9/20 आ जाएगा क्या? 5 इधर 4 इधर 5 प्लस 4 9, 4 5 20, 9/20, तो 1 माइनस 9/20 करोगे तो 20 एकम 20, 11/20 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो जब भी हम फ्रैक्शन में लेंगे सीधे, तो कुल पूंजी और कुल समय को बाय डिफॉल्ट क्या माना हुआ है? 1। तो 1 में से 1/4 प्लस 1/5 गया तो 11/20 बचा, तो बताइए शेष पूंजी कितनी बची? 11/20। आता है क्या समझ में? ये शेष पूंजी पूरे समय के लगाई, पूरा समय क्या माना हुआ है? 1। जैसे पूरा समय 4 साल था, यहां पूरा समय क्या माना हुआ है? 1। आया समझ में? तो इस प्रकार से लिख के भी आप कर सकते हो। चलो आ गया रेशियो, क्या बनाइए? 1/16, ये 1/10 और ये 11/20। 20 10 16 का एलसीएम क्या होगा? 20 10 16 का एलसीएम, या फिर काट भी सकते हो तीनों को, काट दें 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 2 से 10 बार। अब 8 5 10 का एलसीएम 40 आएगा, 40 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 40 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दे। चलो
आठ पंजे 40, बना इसका रिजल्ट 5, था ये 5, ये देखो बन रहा है ये वाला रेशियो 5 8 44, क्या आ जाएगा ये 5, 5 8 40, 8 0 0, 11 4 44 आ गया क्या रेशियो। तो इस प्रकार से भी ये रेशियो आप बना सकते हैं, या तो पूंजी और कुल समय को अपने हिसाब से मान लो तो इजी हो जाएंगे। इसका फायदा क्या है कि फ्रैक्शन में नहीं आता ना, ये सीधे रेशियो आ जाएगा। यहां क्या है, फ्रैक्शन में आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम तो यहां भी ले रहे हो आप, मेरे हिसाब से मेरा सजेशन मानो वो बेटर है ऊपर वाला। शुरू में एलसीएम ले लो, 4 और 5 20, सीधे संख्या आएगी, सीधे रेशियो बनेगा। ये बात समझ में। यहां पे भी आप कर सकते हो, लेकिन देखो एक तो यहां कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, ये कैलकुलेशन का एफर्ट लगाया, उसके बाद यहां भी एलसीएम लेके किया कि नहीं किया, तो उससे कम काम तो वहां हो रहा है सीधे। ठीक है, देख ले अपने हिसाब से, कॉपी करो इसको। सवाल नंबर 5 के जैसे दो सवाल है 8 और 9, ये दोनों आपको करके लाने हैं कल, है ना, 8 और 9। कॉपी करिए इसको जल्दी से, इसको खोल लो ना, गेट को खोल दो। हो गया क्या कॉपी, ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, ये दो सवाल 8 और 9 करने, खुद से घर से, घर के लिए जो क्वेश्चन दे रहा हूं करने को सेम है बिल्कुल, सॉल्यूशन मिला मिला के कॉपी पेस्ट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन पूरा जोर लगाना है घर में, है ना। कितना आया, 4000। ठीक है, देख लेते हैं। अब आप आ जाइए सवाल नंबर 13 पर, 13 पर आइए सीधे, सवाल नंबर 13 पर आइए, 13 पढ़ो एक बार उसको। जैसे सवाल करवाया ना मैंने, भी पांचवा
तो पांचवें सवाल के वहीं पर लिख लो सवाल नंबर 8 और 9, ताकि आपको पता चल जाएगा 8 और 9 इसी के जैसा है। और बाकी के ये जो है स्टार्टिंग के 2 सवाल के जैसे हैं, ये 6 सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, 13 पर रीड करें 13 नंबर के क्वेश्चन को। हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन है ना। दो व्यक्ति ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः, दो व्यक्ति को मान लेता हूं फर्स्ट और सेकंड, एक ने लगाया 50,000 और एक ने लगाया 70,000 है ना। तो बताइए इनके निवेश का अनुपात क्या बना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, किसका रेशियो, निवेश का। ये फर्स्ट ए और बी मान लेता हूं दोनों को, ए और बी। चलो अब आगे, साझेदारी की शर्त पर की कुल लाभ का, साझेदारी की शर्त क्या है इनकी, क्या डील फाइनल हुई दोनों साझेदारों के बीच कि भैया कुल लाभ का 70% तो बराबर बांटेंगे। मान लो टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ है 100%, तो इसका 70% कैसे बांटेंगे, बराबर, ए और बी बराबर 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 यानी कि 1:1 में, या फिर 35-35%। तो कुल लाभ का 70% तो बराबर ही से बटेगा, ये डील हो रही है। और बाकी जो बचा है 30% वो कैसे बटेगा, निवेश के अनुपात में। तो निवेश के हिसाब से, तो निवेश का हिसाब क्या है, 5:6। डील समझ में आई, सवाल की डील समझ में आई, क्या डील करी कि भैया जो भी कुल लाभ होगा 70% बराबर बांटेंगे, फिर जो बचेगा 30% उसको किस हिसाब से, निवेश के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट का हिसाब यानी कि 5:7। अब सुनिए आगे कुछ और, 90 रुपये दिख रहे हैं, 90 रुपये क्या है, वो 90 रुपीज कौन है, वो 90 रुपीज क्या है, पढ़ो एक बार आराम से। एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिले, समझना कहानी को, पूरा बंटवारा करने के बाद, ये बंटवारा भी सब करने के बाद एक के हाथ में फाइनली कुछ पैसा आया होगा, टोटल मिला के दोनों ओर से, यहां से यहां से, और बी के हाथ में भी यहां से दोनों से मिला के कुछ कुछ पैसा आया होगा। पूरा पैसा ए और बी के पास चले जाने के बाद एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिले, यानी कि ए को बी से 90 रुपये ज्यादा मिले, एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये ज्यादा मिले, आई बात समझ में। अच्छा किसको ज्यादा मिला, ए को के बी को, बी को ज्यादा मिला होगा ना, बी का निवेश ज्यादा था। अच्छा ये जो 90 रुपया ज्यादा मिला, ये 90 रुपया ए और बी का अंतर है, ज्यादा मिला, जो पैसा ज्यादा मिला वो ए और बी का फर्क है 90 रुपये। बताइए ए और बी में यहां से कोई फर्क बन पाया क्या, जो डिफरेंस पैसे का पैदा हुआ ए और बी के बीच में वो यहां से तो नहीं हुआ ना, इतनी बात समझ में आती, जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो यहीं से हुआ है। तो बताइए ये डिफरेंस का अंतर 2 यूनिट 90 रुपये के बराबर है क्या, इतने तो हमें भी क्लियर है कि भैया जो दोनों के बीच 90 रुपये का अंतर आया है
वो 90 रुपए का अंतर यहां से तो नहीं बना ना, सारा का सारा अंतर इसी बंटवारे से बना है, तो यहां का अंतर जो दो यूनिट है वही 90 रुपए रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आई बात समझ में? बस खत्म हो गया सवाल। दो बराबर 90, मैं बोलूंगा, मैं टीचर हूं, रुक जाओ। दो बराबर 90, हाँ तो एक बराबर 45, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बधाई हो। इधर देखो, दो बराबर 90 तो 5 और 7 12। अच्छा आराम से देखो, ये दोनों मिलके 30% लाभ को दर्शा रहे क्या? 30% लाभ के दो टुकड़े हैं ना ये, तो 5 और 7 मिला लो तो 12 यूनिट 30% लाभ को बता रहा कि नहीं बता रहा? बता रहा कि नहीं बता रहा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। 5 और 7 12, 12 यूनिट 30% है कि नहीं है? तो 12 यूनिट का मान यदि निकाल लें तो वही 30% लाभ का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 12 यूनिट दोनों मिला के 12 यूनिट 30% लाभ है, तो 12 यूनिट का मान निकाल लें, 2 यूनिट बराबर 90, 12 यूनिट बराबर कितना, तो 30% लाभ का वैल्यू आ जाएगा। जब 30% लाभ आ जाएगा, 30% बराबर इतना, 100% का वैल्यू निकाल के कुल लाभ निकल आएगा, ठीक है। तो एक यूनिट 45 है, या फिर इसको 6 गुना कर लो ना यार, 540 आ जाएगा सीधे। 2 बराबर 90 तो 12 बराबर 2 का 6 गुना है 12, तो 90 का 6 गुना 540, या फिर छोड़ो, एक यूनिट का वैल्यू 45 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 45 तो 12 बराबर 12 इंटू 45 करेंगे, 540 आ जाएगा। यदि 30% 540 तो 100% बराबर कितना आ जाएगा कुल लाभ का वैल्यू, आएगा कि नहीं आएगा? 30% 540 है तो 1% 180 नहीं 18, 30% यदि 540 है तो 1% 18 आ जाएगा। यदि 1% 18 तो 100% 100 × 18, बताइए कुल लाभ 1800 आंसर आ जाएगा इसका? आएगा कुल लाभ 1800? देखो फिर से एक बार रटवा देता हूं आपको, लाभ का जो भी अंतर क्रिएट हुआ वो यहीं से हुआ, तो दो यूनिट को पूरा श्रेय जाता है 90 का। 2 बराबर 90 तो 12 बराबर कितना, 1 बराबर 45, 12 इंटू 45 आ जाएगा 12 का वैल्यू, और ये दोनों मिला के जो 12 यूनिट है, 12 यूनिट का वैल्यू 30% लाभ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 30% 540 तो 100 बराबर कितना, 30% 540 तो 1% का वैल्यू निकालो आप, 0 से 0 कटेगा, 3 से 18 बार जाएगा, 1% बराबर 18 आएगा, 1 बराबर 18 तो 100 बराबर 100 इंटू, अरे व्हाट इज दिस, 18 कितना आ जाएगा, 1800 कुल लाभ 1800 आएगा कि नहीं आएगा? मैं होता इस सवाल को कैसे करता, मैं इमेजिन कर लेता 5 और 7 2, 90/2 करता, एक यूनिट का वैल्यू आ जाता। अरे मुझे पता है 90 रुपया दो यूनिट है, तो 2 करके सीधे मैं सवाल को देखते से ही 2 करके एक यूनिट निकाल लेता, फिर मैं जानता हूँ कि 30% लाभ 12 यूनिट है 5 और 7, इंटू 12 करता, तो बताइए 30% लाभ आ गया, ये कितना परसेंट लाभ है, 30। यदि इसमें 30 कर दूं तो ये 1% लाभ है, और इंटू 100 कर दूं तो 1800 आंसर आ गया मेरा, 00 कैंसिल, आ जाएगा 1800। हंस रहे हो, इधर देखो आ रहा है 1800, क्या आ जाएगा 1800? तो इस क्वेश्चन को इमेजिन करके, 2 बराबर 90 तो 90/2, एक यूनिट का वैल्यू कैसे आ जाएगा सीधे, 90/2 एक यूनिट, इंटू 12 कर लेंगे 12 यूनिट, ये 30% प्रॉफिट का वैल्यू है क्या नहीं है? तो बाय 30 कर लें तो 1% प्रॉफिट का वैल्यू है क्या नहीं है? इंटू 100 कर लें तो 100% प्रॉफिट हो गया क्या नहीं हो गया? तो इस प्रकार से भी इसको हम ले सकते हैं। अगला सवाल इसी के जैसा है, 14 नंबर, घर से करके लाना है आपको, कॉपी करो इसको।
हो गया क्या ये? कॉपी कर लिया? कर लिया इसको कॉपी? ठीक है, अभी आना है क्वेश्चन नंबर 15, 15 पर आ जाइए, 15 नंबर के सवाल पर। पढ़ो उसको, रीड करो एक बार 15 को। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15। ये सवाल ऐसा है, ए और बी दो लोगों ने एक घास का मैदान किराए पर लिया अपनी गायों को चराने के लिए। आई बात समझ में? ए और बी ने मिलकर कितने महीने के लिए किराए पर लिया? 10 महीने के लिए। 10 माह के लिए किराए पर लिया अपने गाय को चराने के लिए, अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए। 10 महीने के लिए घास का मैदान किराए पर लिया। 10 महीने हो गए, अब देना है किराया। अब हमें न्याय करना है कि किसको कितना किराया देना चाहिए, है ना? किस आधार पे दोनों किराया बांट कर दे? मान लो 100 रुपए किराया है 10 महीने का, क्या दोनों बराबर दे? नहीं, ए ज्यादा दे, बी ज्यादा दे, कौन कितना दे? एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेशन, न्याय कैसे होगा? आई बात समझ में? तो अब सुन लीजिए, जो जितनी घास खाएगा उतना पैसा देगा। मान लो ए ने 10 किलो घास खाई और बी ने 20 किलो घास खाई, मतलब इन्होंने नहीं, इनकी गाय ने, है ना? गाय कितनी थी हमें मतलब नहीं, इसकी गाय कितनी थी हमें मतलब नहीं, इसके जानवरों द्वारा कितना किलो घास खाया गया उस मात्रा से मतलब है। जो जितना किलो मात्रा कंज्यूम करेगा मैदान में से, उस रेशियो में पैसा देगा। मान लो 1:2 में इन्होंने मात्रा घास की खाई, तो 1:2 में ही किराया बांट कर चुकाएंगे। अरे इसकी तुलना में इसके जानवरों ने डबल खाया तो डबल पैसा देगा कि नहीं देगा? ये तो पैसा कैसे बटेगा, कौन कितना पैसा देगा, कैसे बटेगा? मात्रा। आई बात समझ में? अब मात्रा कैसे बनेगी? नंबर ऑफ गाय जो है, मान लो एक गाय खाती है 1 किलो, एक गाय कितना खाती है? 1 किलो। आई बात समझ में? यदि एक गाय 1 किलो खाती है तो बताइए 10 गाय कितनी खाएगी? 10 × 10। इस प्रकार से मात्रा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आई बात समझ में? क्लियर? तो एक गाय 1 किलो खाएगी तो 10 गाय, बताइए यदि 10 गाय हुई तो 10 गाय 10 किलो खाएगी कि नहीं खाएगी? क्लियर? और ऐसा मान लो, थोड़ा सा और डीप में जाओ, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल, मान लो एक गाय 1 दिन में 1 किलो खाती है। एक गाय, सबकी गाय एक जैसी मानना, ऐसा मत मान लेना कि इसकी गाय 1 दिन में 1 किलो और उसकी गाय 1 दिन में 10 किलो, तो सवाल के आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, फिर सवाल सॉल्व करना असंभव है। आई बात समझ में? ये सवाल सिर्फ इसी आधार पे सॉल्व होंगे कि सारे जानवर एक जैसे, हर एक जानवर 1 दिन में 1 ही प्रकार की मात्रा, उतनी ही मात्रा खाएगा,
इस आधार पे सवाल बनेंगे और हल होंगे, क्लियर। मान लीजिए इसके पास 10 गाय है, एक दिन में यदि एक गाय 1 किलो खाती है तो 10 गाय एक दिन में कितना खाएगी, 10 किलो। आई बात समझ में, क्लियर। अब मान लो एक दिन में 10 किलो, अब ये कितने दिन खाया वो टोटल दिन हमें लगाने पड़ेंगे तभी टोटल मात्रा बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी। यानी कि एक 10 गाय ने एक दिन में कितना खाया, 10 किलो। तो इसके जितने भी जानवर हैं उन्होंने एक दिन में कितना खाया वो मात्रा और टोटल नंबर ऑफ दिन, मान लो टोटल 20 दिन है तो बताइए इसकी मात्रा 200 किलो हुई कि नहीं हुई। तो गाय की संख्या, अच्छा एक गाय यदि 1 किलो खा रही है तो 10 गाय 10 किलो खाएगी, तो ये 10 एक प्रकार से गाय की संख्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है, समय। गाय की संख्या इंटू समय, एक गाय एक दिन में 1 किलो, तो यदि 10 जानवर है उसके पास तो एक दिन की खपत उसके जानवरों की 10 किलो है कि नहीं है। जितनी गाय उतनी ही मात्रा खाएगा, यानी कि ये वाला कैरेक्टर गाय की संख्या है कि नहीं एक प्रकार से। और कितने समय तक, मान लो 20 दिन तक खाया तो 10 10 किलो हर दिन करके 20 दिन तक कितना खा गए, 200। तो गाय की संख्या गुणा समय, इससे रिप्रेजेंट होगी टोटल मात्रा। आया क्या है समझ में, टोटल मात्रा कैसे बनेगी, गाय की संख्या गुणा समय। टोटल मात्रा बराबर गाय या जानवरों की संख्या गुणा समय, इस प्रकार से बनेगी टोटल मात्रा, है ना। अब देखिए आपका जो 15 नंबर का सवाल है इसमें इन्होंने 10 महीने के लिए किराए पर लिया, आई बात समझ में। अब ध्यान देना, गाय की संख्या गुणा समय, इसी से टोटल मात्रा आएगी हमारी। अब देखिए कितनी गाय है ए के पास, ए ने अपनी कितनी गाय को चराया, 100 गाय। 100 गाय कितने टाइम तक, 8 महीने तक, है ना। टोटल 10 महीने के लिए किराए पे लिया, 10 महीने में से शुरू के 8 माह पूरा ए ने यूज किया ऐसा बोला है और लास्ट के 2 माह मैदान को किसने यूज किया, बी ने। आई बात समझ में। तो अब देखिए ए जो है 100 गाय शुरू के 8 माह तक, आई बात समझ में। अच्छा बी की गाय पता नहीं है, एक्स गाय मान ले, लेकिन टाइम तो पता है 2 माह। ए ने 100 गाय कितने महीने तक, 8 महीने तक, और बी ने एक्स गाय कितनी गाय शेष 2 महीने के लिए बी ने चराया, कितनी गाय को क्या मान लिया हमने, एक्स। अब ताकि पैसा किसको कितना देना पड़े, देखो क्या लिखा है आगे, क्या बोला है, मतलब कौन कितना दे रहा है, ये 100 तो है 150, फिर ए की तुलना में भी 1.5 गुना। अच्छा ए की तुलना में भी 1.5 गुना दे रहा है, मतलब यदि ये 100 रुपया दे रहा है तो ये कितना दे रहा है, 150, ऐसा ही बोला है ना, ए की तुलना में भी 1.5 गुना दे रहा है, क्लियर। तो 100 दे रहा है तो ये कितना दे रहा है, 150। तो इससे इसका रेशियो किसके बराबर है, 100 से 150। अच्छा पैसा जो बढ़ता है वो किस आधार बढ़ता है, मात्रा के आधार पे। मात्रा कैसे बनेगी आपकी, पैसा जो बटेगा वो किस पर डिपेंड है, मात्रा पर, और मात्रा किससे बनेगी, इससे। तो सीधे सीधे पैसे की डिपेंडेंसी इसके ऊपर हुई कि नहीं हुई, क्लियर। तो जो मात्रा है वही किसको बताएगा, पैसे को, है ना। तो ये एक प्रकार से किसका रेशियो आया आपका, पैसे का रेशियो। मात्रा कैसे बनेगी, गाय की संख्या गुणा समय, और पैसा बटेगा कौन कितना किलो खाएगा, तो मात्रा पर डिपेंड करेगा पैसा। तो पैसा बनेगा मात्रा से और मात्रा बनेगी इससे, यानी कि सीधे सीधे किराया बटने का रेशियो पैसे का रेशियो इसी से आएगा क्या। तो गाय की संख्या गुणा समय, गाय की संख्या गुणा समय किसका रेशियो देगा आपको, किराया बांटने का रेशियो देगा। और किराया बांटने का रेशियो क्या इसकी तुलना में 1.5 गुना चुका रहा है ये, तो बताइए इससे इसका रेशियो 100 से 150 है कि नहीं है, क्लियर है इतनी बात। तो इससे इसका रेशियो आ गया 100 से 150। काटना चाहो तो काट सकते हो, 50 से 2 बार, और 50 से कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। आई बात समझ में। अब आप ठीक से देखो, 2 बराबर 800 है क्या ये,
800 है, 2 बराबर 800 है कि नहीं है? ये 2 बराबर 800 तो बताइए, 3 बराबर इसको 1200 होना चाहिए। यदि 2 का मान 800 है तो 3 बराबर 1200 आना चाहिए। 1200 आने के लिए x की जगह 600 को लेनी पड़ेगी। 2 बराबर 800 तो 3 बराबर 1200, दिमाग चल रहा है? 3 बराबर 1200 तो 1200 होने के लिए x की जगह कौन लेना चाहिए? 600, तभी तो 600 दुनी 12 सेटिस्फाई होगा। यानी कि बताइए x का वैल्यू 600 आएगा कि नहीं आएगा? या चाहो तो रेशियो बना लो, इससे इसका रेशियो 2/3 के बराबर है कि नहीं है? तो 100 × 8 से x इंटू 2, ये गाय को भी रख लेना, 100 × 8 अपॉन x गाय इंटू 2 बराबर 2/3। ये कैंसल होना चाहिए ना, मान लो इधर गाय और इधर भैंस हुई तो फिर ये कटेगा नहीं, फिर गाय और भैंस का रेशियो देगा सवाल हमें। आई बात समझ में? ये तो एक ही प्रकार के जानवर हैं। तो चलिए x का वैल्यू निकाल लें यहाँ से। क्या कट रहा है? 2 × 8, 2 × 4, 3 × 6 आ जाएगा x का वैल्यू 600। तो शेष 2 माह के लिए b कितनी गाय चराए? x, और x बराबर कितना आया? 600। कॉपी करो इसको। इसके बाद सवाल नंबर 16 करना है। नेक्स्ट का आंसर आए तो बताना कितना। 105 सही है, शायद करेक्ट है। हाँ 105 करेक्ट। 17 भी कर लें। ठीक है, आंसर की देख देख के तो नहीं बोल रहा नीचे से? ठीक है ठीक है, इजी है, हो जाएंगे कुछ। ये 16 का आंसर किस किस का? 105। वाह यार, सबका आ गया, वेरी गुड।
देखिए सवाल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी, ए ने 90 बेल कितने टाइम तक? 7 महीने तक, यही है ना? 90 बेल कितने टाइम तक? 7 महीने तक। टोटल 10 माह पे किराए पे लिया, 7 महीने गए, तो बी के लिए कितने महीने बचे? कितने बेल? एक्स। और किसने किसका आधा चुकाया? इसका आधा चुकाया इसने, बी ने ए का आधा चुकाया ना। यदि ये 2 है तो ये कितना है? 1। आई बात समझ में? 2 = 630 तो 1 = 315 तो x = 105, चलो छोड़ो, इससे इसका रेशियो 2:1 के बराबर है। तो 90 बेल इंटू 7 अपॉन एक्स बेल इंटू 3 किसके बराबर है? 2/1। बेल से बेल कैंसल, 2 से 90 45 बार जाएगा, 3 से 45 15 बार जाएगा, 15 × 7 = 105। तो x यहाँ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 105। क्लियर है क्या ये? 17 करिए, 17 नंबर निकालिए, 17 का आंसर आया क्या किसी का? 17 का किस किस का आया? 32, 50, ओके।